आइए 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 तो साइन थीटा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति का पार्ट है जिसमें पहला मेंबर है वो कौन है साइन। उसके बाद उनकी वाइफ आती है कॉस। साइन और कॉस का बच्चा कौन है टेन थीटा है। साइन और कॉस मम्मी पापा उनका बेटा टेन थीटा। सेक कॉसेक ये आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द साइन थीटा। क्या नाम है साइन थीटा। आपको बस एक लाइन याद रखनी है वो ये है कि जीरो वन बाई टू वन बाई टू थ्री बाई टू और में वन। इसके बाद कॉस थीटा आता है वाइफ ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की पत्नी का नाम क्या है कॉस थीटा। क्या है कॉस थीटा। ऑल राइट तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक दिख रहा है ना बेटा जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू थ्री बाय टू ये ऑर्डर दिख रहा है जीरो थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी नाइनटी डिग्री। ये टेबल है। इस टेबल का आपको इस टेबल के यूज से आप क्या करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बिकॉज क्वेश्चन में क्या होगा जीरो डिग्री मेंशन होगा थर्टी डिग्री लिखा होगा फोर्टी फिफ्टी वहां पर आप देख कर क्या करोगे वैल्यूज को पुटअप करोगे एंड उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो ये सिर्फ एक लाइन यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर इट। एक लाइन समझ जाओ बोलो जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू और वन जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू और वन याद रहेगा जीरो जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू बोलो जीरो जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू और वन बोलता नहीं वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू वन वाई। पता है पहले जीरो आया जीरो खोजा मेरे भारत ने उसके बाद आधा आता है उसके बाद रूट टू पे घूंघट चढ़ा दो फिर रूट टू को ऊपर ले जाओ मतलब रूट को ऊपर ले जाओ फिर बना जाएगा। बताओ ये बढ़ाएगा कि ये बढ़ाए सर आप बताओ निखिल गुप्ता वन बाय टू बढ़ाएगा कि वन बढ़ाए टेल मी समथिंग अबाउट इट। वन बढ़ाए रूट थ्री बाय टू बढ़ाए बढ़ाए वन बढ़ाए। अब हम क्या करेंगे सबसे लास्ट वाली वैल्यू को सबसे पहले लिख देंगे मतलब ये जो ऑर्डर है ना इसको प्यार से यहाँ लिखोगे आप वन फिर इसको लिखोगे मतलब आप ठीक है उल्टा लिखोगे वन बाय रूट टू वन बाय टू और जीरो। अब टेन थीटा आएगा कौन आएगा बच्चा इन दोनों का बच्चा टेन थीटा। कैसे निकालेंगे डिवाइड कर दो क्या कर दो डिवाइड कर दो डिवाइड कर दिया आपने इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्या आएगा नॉट डिफाइन क्या आएगा जीरो। आ रहे समझ में हम रूट टू से अरे टू से टू को मारेंगे तो क्या बचेगा वन बाय रूट थ्री बचेगा क्या बचेगा वन बाय रूट टू से रूट टू को मारेंगे काटेंगे तो क्या आएगा वन आएगा टू से टू को खाट मारेंगे तो थ्री आएगा ठीक है एंड वन से जीरो को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन क्या आएगा बिट्टू नॉट डिफाइन ध्यान रहेगा यस सर डो सॉरी नॉट डिफाइन क्या होता है जिसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं जिसे अपरिमित रूप से क्या बोलते हैं अपरिमित रूप से बहुत शानदार हमें टेन पता चल गया। अब साइन जब उल्टी करता है तो क्या निकालता है भैया वो निकालता है कॉस से साइन का उल्टा माने जीरो डिग्री का जीरो का उल्टा क्या होता है मैं इसमें जीरो का उल्टा होता है अपरिमित रूप नॉट डिफाइन याद रखना जीरो का उल्टा मैं इसमें एनडी होता है नॉट डिफाइन होता है। अब वन बाय टू का उल्टा करोगे तो क्या आएगा टू आएगा वन बाय रूट टू का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा रूट टू आएगा और इसको उल्टा करेंगे तो रूट थ्री नीचे आएगा तो आएगा टू बाय रूट थ्री और ये क्या आएगा वन का अपोजिट वन ही होता है। अब क्या आएगा कॉस ठीक है कॉस का बच्चा माने की कॉसेक थीटा सेक थीटा सॉरी वन का उल्टा क्या होता है बेटा वन रूट थ्री बाय टू का उल्टा क्या होता है टू बाय इसका उल्टा क्या होता है रूट टू इसका उल्टा क्या होता है टू जीरो का उल्टा अपरिमित रूप से अनेक आया तो पूरा उल्टा ही हो गया ना सेक। अब सेक के बाद अगला हमारा कॉट थीटा टेन का उल्टा कर दो टेन का उल्टा क्या होता है भैया नॉट डिफाइन जीरो का उल्टा जीरो का उल्टा जीरो का उल्टा बहुत शानदार। चलिए वन बाय रूट थ्री को उल्टा करेंगे जी रूट थ्री
और इसको क्या करेंगे, वन का उल्टा वन होता है, रूट थ्री का उल्टा, रूट थ्री का उल्टा देखो क्या आएगा, वन आ जाएगा। रूट थ्री का उल्टा क्या होता है, वन बाय रूट थ्री। नो डिफाइन का उल्टा जीरो। All right, एक बार फिर से रिविजन करें। Yes, sir. Firstly, you have to be just remember that you should you just remember it कि आपको एक लाइन जीरो वन बाय टू, जीरो वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू और वन, जीरो वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू और वन। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो सारी वैल्यूज किसकी आ जाएंगी, cos की। फिर इनको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करा आपने टेन का मान निकाले, इससे इसको डिवाइड वी कैन टेन थीटा पे हमने डिवाइड करा, जीरो आया, इसको डिवाइड कर तो वन बाय रूट थ्री, इसको डिवाइड कर तो वन आया, इसको डिवाइड कर तो थ्री आया। नॉट डिफाइंड, साइन का उल्टा कॉस है, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, वन बाय टू का उल्टा टू होता है, वन बाय टू का टू होता है, रूट थ्री बाय टू का टू बाय थ्री होता है, वन पॉइंट वन जीरो वन होता है। सेक थीटा दैट मीन्स कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा वन होता है, रूट थ्री बाय टू का टू बाय टू थ्री होता है, वन बाय टू का उल्टा रूट टू होता है, वन बाय टू का उल्टा टू होता है, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन होता है। कॉट थीटा टेन का उल्टा नॉट डिफाइंड, वन बाय थ्री का उल्टा रूट थ्री, वन बाय टू का उल्टा वन और अपना ये वन, एक मिनट, रूट थ्री, हाँ वन बाय रूट थ्री का उल्टा रूट थ्री, वन का उल्टा वन होता है, रूट थ्री का उल्टा वन बाय रूट थ्री होता है और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, जीरो होता है। अब आ रही हमारी सबसे स्टैंडर्ड ट्रिक, तो इसके लिए मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अगर टेबल याद नहीं होती है बाय चांस तो आपके लिए एक रास्ता है, यू कैन यूज दिस ट्रिक, यू कैन सिंपली यू डोंट, ठीक है, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बेझिझक कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे चिंकी फिर छोटी रहेगा, जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री, फोर्टी फाइव डिग्री, सिक्सटी डिग्री और नाइन्टी डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इसको इसलिए तार तो नहीं है, साइन थीटा में कोई सा एंगल फाइंड आउट करना है। इफ यू कैन फाइंड आउट द एनी एंगल ऑफ साइन दैट कुड बी थर्टी डिग्री, फोर्टी फाइव डिग्री, लेट सपोज हमें थर्टी डिग्री फाइंड करना है, थर्टी डिग्री फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइन 30 डिग्री, कौन सा एंगल निकाल रहे हैं जी, कौन सा एंगल निकाल रहे हैं जी, 30 डिग्री, कौन सा डिग्री, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, बिलो फिंगर्स अपॉन टू, बिलो माने नीचे, 30 डिग्री मतलब ये कौन से नंबर पर है जी, सेकेंड नंबर पर है, तो इसके नीचे देखो यहाँ पे वन टू और थ्री, कितनी फिंगर है, थ्री फिंगर है, कितनी फिंगर है, थ्री फिंगर है, तो आपको बहुत ध्यान से देखिए, एक दो तीन, तो ये आपका, हाँ एक सेकेंड, जीरो डिग्री अगर हम यहाँ से करेंगे तो जीरो थर्टी डिग्री, बेटा नहीं है ना, फिर आगे भी बढ़ना है, तो हमें थर्टी डिग्री निकालना है ना, यहाँ पे थर्टी डिग्री आपको यहाँ पे, ये थर्टी डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे थर्टी डिग्री हमने, तो 30 डिग्री के नीचे आपको देखना आएगा, 30 डिग्री मतलब ये, दैट मीन्स ये दिख रहा है ना आपको, मतलब आपकी 30 डिग्री के बाद आपकी कितनी फिंगर बाकी है, वन फिंगर बाकी, कितनी फिंगर बाकी है, वन, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वन, एंड यहाँ पर क्या चढ़ा हुआ आएगा, रूट, तो हम रूट भी लगा देंगे, अपॉन में क्या आएगा, टू है, क्या आएगा, टू है, तो साइन 30 डिग्री हमारा क्या निकल कर आएगा विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का रूट क्या होता है, वन होता है ना, यस और नो, अपॉन में टू आया, वी कैन फाइंड आउट अनदर एंगल, वी कैन फाइंड आउट द 90 डिग्री एंगल, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, वी कैन पुटिंग द 90 डिग्री, ऑल राइट, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री सर यहां पर है, ऑल राइट, इसके नीचे कितनी फिंगर आ रही है, एक दो तीन चार, तो यहां पर क्या लिख देंगे, रूट के अंदर हम चार लिख देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू ऑफ, ठीक है, बिना याद करे भी निकाल सकते हो, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, रूट फोर का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं, टू होता है, क्या होता है, उसे टू कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 डिग्री कितना आ जाएगा हमारा, वन आ जाएगा, कितना जाएगा, इफ वी बी टॉकिंग अबाउट साइन 45 डिग्री, अगर मैं साइन 45 डिग्री निकालने जाऊं, नेहा, सुहाना और कलश, देखो ध्यान से खंडोरी, सारे विद्यार्थी 45 डिग्री कौन से नंबर पर है जी, बीच में, इसके नीचे देखना, बिलो का मतलब नीचे, एक दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट टू अपॉन में टू, ऑल राइट, अब यहाँ पे रूट टू है, ऑल राइट, अब मुझे बताओ कि ये रूट टू को मैं, इस टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये टू दिख रहा है ना यहाँ पे साइड में दिख रहा है ना टू, इस टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट टू इंटू रूट टू, नहीं
लिख सकते हो? अरे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि रूट टू में रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टू आएगा ना। दैट मीन्स मैं टू की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? रूट टू इंटू, जब रूट टू का मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाते हैं? टू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टू। इसका मतलब ये हुआ, सर 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 आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो। तो क्या लिख दो यहाँ पे? यहाँ पर भी एक रूट टू और यहाँ पर भी एक रूट टू, एक से एक मर गया तो क्या आया? वन बाय रूट टू। क्या आ गया? वन बाय रूट टू। ऐसे अब जीरो डिग्री निकालना है, सब उसका निकालना है रिया जीरो डिग्री। तो बहुत ध्यान से देखते हैं, साइन जीरो डिग्री कैसे निकालेंगे? तो हमें कहाँ जाना है? नीचे जाना है ना, बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। तो नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर बची नहीं ना कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा? जीरो आ जाएगा अपॉन में टू। अच्छा जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो का जीरो होता है। साइन जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये ट्रिक की हेल्प से आपको इस झमेले में नहीं पड़ना पड़ता है का मतलब यू कैन नेवर रीड दिस एंड अंडरस्टैंड दिस, लर्न दिस टेबल विदाउट लर्न फ्रॉम दिस टेबल, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस फिंगर ट्रिक्स। साइन थीटा का फॉर्मूला बिलो होता है, कॉस का अबव होता है, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। अच्छा लगा? So, आज हमारा डिस्कशन होने वाला है अनदर ट्रिक दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज द वाइफ ऑफ साइन थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला हैगा वो है हमारा अबव, अबव फिंगर्स अपॉन में टू। ऑल राइट। Now, if you can find out, you can pick any kind of angles from here. So, if you can find out, if we can find out the 45 degree, कि 45 degree की value क्या हो? 45 degree की value क्या होगी? हमने क्या करा? Cos के यहाँ पे angle 45 रखा. Equal to above का मतलब इसके ऊपर देखो कितने angle हैं? दो. तो हम प्यार से यहाँ दो लिख देंगे, अपन में दो लिख देंगे. अभी तो बात गधे को भी पता है कि two का जो होता है हमारा, ठीक है, टू का जो स्क्वायर होता है वो, अच्छा एक मिनट बहुत ध्यान से, रूट टू का रूट टू, टू को हम क्या लिख सकते हैं रिया? ठीक है निखिल, रूट टू इंटू रूट टू, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस 45 डिग्री वन बाय। नाउ यू कैन फाइंड आउट द 30 डिग्री एंगल। कौन सा एंगल? 30 डिग्री एंगल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पर है, ऊपर देखो 1 2 3 ऑल राइट। कॉस में 0 डिग्री निकालनी है आपको। अब 0 के ऊपर देखो 1 2 3 4, रूट में 4 अकाउंट में 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और डिवाइड कर देंगे तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? वन। क्या होता है? सो टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन में कॉस। ये आपको अच्छे से पता है ना जी? यस और नो? साइन और कॉस मिले तो टेन थीटा आया। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी? बिलो अपॉन में टू होल अपॉन। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अबव अपॉन में टू। टेन थीटा मतलब यहाँ पर हम कोई से एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0, 30, 40, 60 किसी की भी। हमने क्या निकालना है? क्या निकालना है यहाँ पे? 45। तो टेन 45 डिग्री पुट अप कर हमने, सो बिलो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? अगर हमें साइन में रखना है तो हमें नीचे देखना है। तो नीचे मतलब इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे क्या देखो? 1 2। तो यहाँ पर कितने हैं नंबर? 45 के नीचे कितने नंबर? 1 2 है ना, अपॉन में 2। अब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस में कहाँ देखना है? ऊपर। तो दैट मीन्स 45 के ऊपर कितने? 1 2। तो रूट 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 1। तो टेन 45 डिग्री कितना निकल कर आ गया? 1। लेट सपोज आप 30 डिग्री निकाल रहे हो, तो यहाँ निकालते हैं 10 30 डिग्री,
30 डिग्री के नीचे एक है तो हमने यहाँ एक लिखा, अपॉन में टू है तो टू लिख दिया। ऑलराइट, एबव की बात करें कॉस में, तो कॉस में एबव का मतलब 1, 2, 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट में 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऑलराइट, तो 10 30 डिग्री हमारा कितना आ गया 1/1 का रूट क्या होता है शिवम? 1। ठीक है, अब तो सारे आप निकाल दो, फैला दो इस वीडियो को सारे। तो अच्छा ये है ना, बस 10 मिनट लगेगा समझने में, हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है बताने में।